आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में, जिसका नाम है लो सामो। तो भाई आप नमाज पहले पढ़ते थे, तो नमाज जो है वो शुरू जब होती है तो कितनी दफा हाथ उठाना होता है? जी मेरे अब्बू थे, उनके साथ पढ़ता था मैं। ठीक है सर, ये नहीं पूछा आपसे किसके साथ पढ़ते थे, गंदम हो रहा है जवाब चला दे रहे हैं आप। आपसे ये, आप कितनी दफा हाथ उठाते थे जब नमाज को शुरू करने लगते थे? मैं 3 बार। माशाल्लाह, ईद की नमाज़ في ربوع المجد كنا نسع النصر المبين। हां विष्णु, क्या कर रहा है? तू नजर नहीं आ रहा, गेम खेल रहा। तुझे पता है अलादीन भी शिया था? वो कैसे? ये देख, ये देख, ये देख, कोई नौ पे चल रही। आई बेगरती नहीं करते यार, मैं तो तुझे बताया अलादीन। शर्म होती है कोई। कुरान ने कहा है, मैं पहले उलमा तो बता दे क्या है। मैंने कहा उलमा साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इंजीनियर नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था इंजीनियर प्लंबर है। आपकी अगर उलमा की जो डेफिनेशन है उसको मैं अपने जहन में डाइजेस्ट करूं तो सवाए मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर के तो इस मुल्क के अंदर कोई आलिम है ही नहीं। नहीं, मैंने वो साइंटिस्ट तो नहीं है वो। है, है? 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 ये क्या बात कर दी आपने? मैंने तो कहा है उलमा बमाने साइंटिस्ट है। कुछ समझ ही नहीं आती। नहीं, सारे साइंटिस्ट। मैंने इंजीनियर को तो नहीं कहा। अच्छा, इंजीनियर नहीं है। मैं तो साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा, इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं होता। वो तो उसको तो प्लंबर कहते हैं। ना करें ना, इस तरह ना करें। रेडी, खुदा दा वास्ता ना करो इस तरह। सोशल मीडिया की बात करो, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है मेरी उनके साथ। देखिए बात ये है कि आप पहले 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 आप पहले आप तायुन करें कि उलमा कहते किसको हैं। एक मुझे अभी तक तायुन नहीं हो पा रहा। मैं करता, आपने तायुन किया ही नहीं कभी। अच्छा अच्छा, आज इस प्रोग्राम में आप तायुन करके उठें। जी जी, चलो एक बार और करते हैं। मसलन शाह साहब ने कहा कि छोड़ने किसी ने क्या कहा, आप तायुन करें। हदीस आलिम कौन है? देखिए भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज सुबह कभी किसी को नहीं बोलूं भाई। लफ्ज़े उलमा अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल किया है, उसको आप क्यों नहीं समझते? समझाए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ। अच्छा, फिर वो जो बात है ना उलमा हक, वो कुरान ने कहा है। पहले उलमा तो बता दे क्या है। मैंने कहा उलमा साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर प्लम्बर है। तो खुदा का बात है, छाड़ जान छाड़ दो। अब ये आप जुमला बदल देना अपना, आप बार के वास्ते आप बार बार बात उधर लेके जा रहे हैं और डर गए ही है। आपने जो डेफिनेशन, हम इसको जरा मुफी उलमा जो है वो साइंसदान होंगे, तो आपको जो करीब तरीन साइंसदानों के नजर आ रहा है वो मोहम्मद अली है, तो आप उसको माने फिर आलिम? नहीं, आप क्यों नहीं मानते उसको? प्लम्बर क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, साइंटिस्ट आप उसको एक साइंस की छोटी सी ब्रांच तो कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप अब पूरे इंजीनियरिंग को आप यह पता नहीं उन्होंने किस फील्ड में इंजीनियरिंग की है, किस शोबे में की है, फिर कुछ बाद में कुछ किया या नहीं किया, या डिग्री है उनके पास। बात यह है कि कुरान काफी नहीं है, आयो ना गेड़े च, डिग्री होना काफी है। तो फिर तो आपके पास इस मुल्क में डिग्री वाले बहुत सारे लोग हैं। सरकार यही बात तो हम कर रहे हैं, हत्ता कि आप किसी फिरके की अपनी डिग्री भी लेके आ जाएं और आप उस डिग्री के होते हुए ये बात करें कि देखें मैं आपके फिरके का बंदा हूं, लेकिन ये बात जो है ना हमारे फिरके की गलत है। तो पता है क्या कहेंगे? नहीं, डिग्री तो हमारे फिरके की थी लेकिन बाद में ना गुमराह हो गया, लो डिग्री भी खत्म हो गई। खास शक्ल डॉक्टर इसरार साहब, हाय हाय, इतना सुकून। वो तो मेडिकल ना कहें कि उन्होंने डिग्री किया बस। वो तो मेडिकल, मेरा ख्याल है हम शख्सियात से हट के हम अगर थ्योरी पर बात करें, अब आए ना लाइन पे कि उलमा किसको कहते हैं तो बताएं ना।
साइंटिस्ट हैं। अच्छा, अब वो क्यों साइंटिस्ट हैं? मैंने कुरान की आयतें पढ़ी आपके सामने। कुरान की आयत में रब्बुल आलमीन आपकी डेफिनेशन में पे तो जितने उलमा को हम जानते हैं या हम आपके साथ जो जानते हैं उसमें डॉक्टर कदीर जो है वो कुरान को बड़ा अच्छा जानता था, वो साइंसदान था। क्या बोलूं मैं इस पे? वो आलम है। बाकी सारे सू में आ गए। नहीं, सू में नहीं, मैं सू नहीं कह रहा। हां, बरेलवी करें तो उलमा सू, तुहाडे करण फिर सू नहीं होएगा। अच्छा, अब आइए उलमा देखें। एक है कि भाई जो फिका जानते हैं, जो हदीस जानते हैं, जो तफसीर जानते हैं, जो नहव जानते हैं, जो सर्फ जानते हैं, जो मंतिक पढ़ते हैं, जो फलसफा पढ़ते हैं, इल्मुल कलाम पढ़ते हैं, इल्मुल बदी, इल्मुल बलागत पढ़ते हैं। बात यह कि उनको मानवी तौर पर किस लिए पढ़ते हैं? मानवी तौर पर पढ़ते हैं ये, सिर्फ अपना इल्मी रोब झाड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मैं मानवी तौर पर, लेकिन मैं मकसद बताता हूँ, मानवी तौर पर हम उनको उलमा कहेंगे। हदफ भी तो देखे उलमा होंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन कुरान ने पढ़ता तो गूगल भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गूगल आलिम नहीं है? हाय हाय, गूगल हाफिजाउल्लाह, तुझ पे लाखों सलाम। A few moments later. वो कहा बिल्कुल बड़ी बात सही है। मैं आपसे तो मेरी माफी है ना, मैं आपसे मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप रब जी कालू भला, रब जी तुसी दाता हो, रब जी हाजत रवा तुसी हो, रब जी मुश्किल कुशा तुसी हो, रब जी दस्तगीर तुसी हो। रब दी कसम उठा के कहना वा, जड़ा रब नू छड़ के दुनिया ते दाते बनाएगा, रब शरील कर देगा। और दूसरा प्रोग्राम, दूसरी महफल रब्बुल आलमीन ने मुनक्कद फरमाई है, कुरान दसदा है। वा और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। दरगाह में दुआ मांगने वालों सुनो, कुरान में अल्लाह क्या कहता है। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात को कबूल ना कर सके, और कयामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे, और एक ही बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा।